नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। दसवीं मुहर्रम का रवायती शाही जुलूस मियां साहब के पुत्र सैयद आयान अली शाह मियां साहब जूनियर की अगुवाई में सकुशल हुआ संपन्न। इमामबाड़ा स्टेट के गद्दी नशी अदनान फरुख अली शाह उर्फ मियां साहब ने मुतवल्ली बुद्धिजीवी ताजियदार आम लोग सहित जिला पुलिस प्रशासन का तहे दिल से किया शुक्रिया अदा। कैबिनेट मंत्री एवं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद मीडिया से हुए रूबरू। कहा, समुन्द्र में भले ही पानी अपार है परंतु सच तो यही है कि वह नदियों का उधार है। 10 अगस्त को माननीय अदालत में होंगे पेश। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत लगाई जा रही है हरिशंकरी वाटिकाएं। प्रदेश के हर जिले में 15 अगस्त तक 75 हरिशंकरी वाटिका लगाने का है लक्ष्य। पर्यावरण के लिए अमृत साबित होगी हरिशंकरी। पर्यावरण संतुलन के साथ धार्मिक मान्यताओं वाले भी हैं हरिशंकरी, यानी पीपल बरगद व पाकड़ के वृक्ष। रक्षाबंधन पर्व पर सीएम योगी ने महिलाओं को 11 और 12 अगस्त को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा करने के दिए निर्देश। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महेश चंद्र ने बताया, 10 अगस्त को रात्रि 12 बजे से 12 अगस्त की रात्रि 12 बजे तक कुल 48 घंटे के लिए साधारण एवं एसी सभी बसों पर महिलाओं एवं बहनों की यात्रा रहेगी निःशुल्क। भाजपा महानगर के 5 मंडलों में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए निकाली गई तिरंगा यात्रा। महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा, हर घरों पर तिरंगा लगाने की जागरूकता फैलाने के लिए निकाली गई है यह तिरंगा यात्रा। दसवीं मुहर्रम के दिन से ताजियों को दफन करना शुरू किए ताजियदार। अपने अपने चौक से जुलूस की शक्ल में राप्ती नदी में दफन किए अपने अपने ताजिये। और श्री रानी सती दादी परिवार मंगल महिला द्वारा अष्टादश 2 दिवसीय श्री रानी सती दादी मंगल पाठ का किया गया आयोजन। कहा, 13 अगस्त को 113 महिलाओं द्वारा निकाली जाएगी भव्य कलश यात्रा। 14 अगस्त को श्रृंगार महोत्सव की निकलेगी भव्य झांकी। अब खबरें विस्तार से। इमामबाड़ा स्टेट से निकलने वाला दसवीं मुहर्रम का रवायती शाही जुलूस मंगलवार को पूरे लाओ लश्कर के साथ निकला। मियां साहब के पुत्र सैयद आयान अली शाह मियां साहब जूनियर की अगुवाई में निकले जुलूस में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आयान अली शाह अपने काफिले के साथ जुलूस लेकर इमामबाड़ा स्टेट के पश्चिमी फाटक से निकले। काफिले में बैंड बाजा, परंपरागत ढोल ताशा के साथ उनके निजी सुरक्षा गार्ड रंग बिरंगी पोशाक में जुलूस की शोभा बढ़ा रहे थे। जुलूस का कई जगह स्वागत किया गया। जुलूस सबसे पहले बख्शीपुर हजरत कमाल शहीद की मजार पर पहुंचा, जहां आयान अली शाह ने अपने साथियों के साथ फातिहा पढ़ी। विभिन्न रास्तों खूनीपुर, चौरैया गोला, इस्माइलपुर, नखास, कोतवाली आदि से होता हुआ जुलूस इमामबाड़े के दक्षिणी फाटक से अंदर दाखिल हुआ। इसके बाद जुलूस समाप्ति की घोषणा की गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए इमामबाड़ा स्टेट के गद्दी नशी अदनान फरुख अली शाह उर्फ मियां साहब ने कहा कि आज दसवीं का मुहर्रम का दिन है। मियां साहब का गश्ती अमलों का जुलूस, जिसे शाही जुलूस कहा जाता है, वह सकुशल संपन्न हुआ। जुलूस का आज आखिरी दिन था। मुहर्रम की 5वीं तक उन्होंने जुलूस का नेतृत्व किया और चला भी, और मुहर्रम की 6 तारीख तक चला, लेकिन उसके बाद से उनकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई। अभी भी तबीयत ठीक ना होने की वजह से उनके बेटे सैयद आयान अली शाह ने 7वीं-8वीं जो अंदर की गश्त होते हैं वह पूरे किए, और मुहर्रम के 9वीं और 10वीं के जुलूस जो शहर के कई हिस्सों से निकलते हैं उनको सैयद आयान अली शाह ने ही पूरा किया।
उन्होंने कहा, शाही जुलूस के सकुशल संपन्न होने के लिए हम तमाम मुतवल्ली बुद्धिजीवी और ताजेदार हैं, उन सभी का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरा साथ दिया और साथ साथ में जिला प्रशासन का बहुत ही सहयोग देखने को मिला है। इस बार पुलिस फोर्स की व्यवस्था दुगनी थी और इतना अच्छा जिला व पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था किया था, इसके लिए उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। मुतवल्ली हो या आम लोग सहित जिला व पुलिस प्रशासन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से टेलीफोन पर बात करते हुए इमामबाड़ा स्टेट के गद्दी निशी तथा सुन्नी वक्फ बोर्ड के सदस्य अदनान फरूक अली शाह उर्फ मियां साहब ने कहा, ¡Vuelta a la barra!
करबले तक खुले हुए हैं। जी हजरत आवाम अलीसा, आज नए साल में और नए मियां साहब को देख लीजिए सर, नए साल में नए मियां साहब को देख लीजिए। आवाम अलीसा मिली आपको ना, दसवीं का मुहर्रम का दिन है और मियां साहब का जो गश्ती हम लोग का जुलूस है, शाही जुलूस जो कहलाता है, आज उसका आखिरी दिन था और वो बहुत सकुशल संपन्न हुआ। इसके लिए मैं तमाम अपने मुतवल्ली बुद्धिजीवी और जो भी ताजेदार है उनका शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मेरा साथ दिया और साथ साथ में जिला प्रशासन का भी बहुत इस बार सहयोग देखने को मिला है और इस बार फोर्स भी देखा जाए तो दोगुनी थी और इतना अच्छा इंतजाम कहीं नहीं देखने को, पहले देखने को कभी नहीं मिला था जो इस बार देखने को मिला है। तो मैं तहे दिल से हर इंसान को, हर जिला प्रशासन हो या मुतवल्ली हो, सबको मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनका शुक्रिया करता हूँ। और आपके सुपुत्र जो है आज लीड किए आपके तबीयत नासाज होने से जी, आपकी से जो मुहर्रम का सिलसिला चला पचई तक तो मैंने जुलूस को किया, उसमें मैं चला भी, बल्कि कहा जाए पांचवी के बाद भी मुहर्रम की 6 तारीख तक मैं चला। उसके बाद से मेरी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई और थोड़ी सी उम्र का तकाजा ले लीजिएगा जो भी कहिए, उससे तबीयत इतनी बिगड़ी कि मैं अभी भी तबीयत मेरी ठीक है नहीं। उसकी वजह से मेरा बेटा जो है सैयद अयान अली शाह, उन्होंने 7वीं 8वीं जो अंदर के गश्त होते हैं वो पूरे किए और मुहर्रम की 9वीं 10वीं जो बड़े जुलूस होते हैं जो शहर में के कई हिस्सों से निकलते हुए जाते हैं, वो अयान अली शाह ने ही उसको पूरा किया। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री एवं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद मीडिया से रूबरू होते हुए शायराना अंदाज में कहा कि समुन्द्र में भले ही पानी अपार है परंतु सच तो यही है कि वह नदियों का उधार है और 10 अगस्त को माननीय अदालत में पेश होंगे। उन्होंने कहा कि निषाद पार्टी को मुकाम तक पहुँचाने में मछुआ समाज का महत्वपूर्ण योगदान है। मछुआ समुदाय ने मेरी त्याग तपस्या और कुर्बानियों का मूल्यांकन किया है। उन्होंने कहा कि 7 जून 2015 कसरवल की लड़ाई में मैंने अपने एक भाई को गवा दिया, लेकिन सत्य की लड़ाई में ना तो मैं पीछे हटा और ना ही मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुझे पीछे हटने दिया। कसरवल आंदोलन में जेल गया, लाठियां खाई, पिछले शोषित और कमजोर समाज को हक दिलाने का बीड़ा उठाया और अपने लक्ष्य की तरफ अपने लोगों के दम पर लगता है आगे बढ़ता रहा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में मछुआ समाज के उत्थान, जीवन स्तर में सुधार और विकास की मुख्य धारा से जोड़ने को लेकर कई योजनाओं को संचालित किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा, आज का दिन
इस गोरक्षनाथ की पवित्र भूमि पर, इस ऐतिहासिक धरती पर आप सभी पत्रकार बंधुओं का, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट और जितने भी हैं अखबार चैनल, जितने भी हैं रिपोर्टर हों, चाहे वो फोटोग्राफर्स हों, चाहे चैनल हैं, चाहे किसी भी तरह के जितने भी हमारे मीडिया बंधु सहयोगी हैं, मैं सबका मैं आज के इस धरती पर आप सब लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज के प्रेस से मिलने का और आपसे वार्ता करने का मेन उद्देश्य था कि कुछ भ्रामक हमारे जो विरोधी हैं वो भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, आए नहीं। अखबार के माध्यम से हमें पता चला कि दो हमारे कसरवल 7 जून 2015 के कांड थे, उससे कुछ मुकदमे हुए थे जिसमें एक न्यायालय से आया कि वो जमानती वारंट है, क्योंकि बिना नोटिस के भी हमको कोई नोटिस नहीं मिला, हमें अखबार के माध्यम से जानकारी मिली। कल मैं उस अदालत में मैं सम्मान करता हूँ न्यायालय का, न्यायपालिका का, संविधान का, मैं शपथ ले आऊँ संविधान के मुताबिक हम देश और राष्ट्र और समाज का हित का इसको रक्षा करेंगे, उसमें मैं खैर हाजिर होऊंगा। और आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एक मछुआ समुदाय का जो बेटा है, ये समाज की एकजुटता और सहयोग का देन है कि उनके तरफ उसी तरह से उनकी देन है जो आज इस जगह पर हैं। उस तरीके से जिस तरीके से समुद्र तो बहुत बड़ा होता है लेकिन नदियों के पानी का उधार उसके ऊपर पड़ा होता है, तो आज मैं अपने समाज को बधाई दूंगा और समाज ने हमें जो जांचा और परखा है, हमारे ऊपर विश्वास किया है, तो मैं उन्हें आज आपके माध्यम से उन्हें भरोसा दिलाता हूँ कि जो उनका बेटा सड़क पर संघर्ष कर रहा था, वकालत कर रहा था, कभी आपके माध्यम से संघर्ष इसीलिए कर रहा था कि हमारे जो सामाजिक मुद्दे हैं वो आपके माध्यम मीडिया के माध्यम से शीर्ष नेतृत्व को सरकार के कानों तक जाए और उस पर विचार विमर्श करें, तो आज उसके उस लायक बनाया कि उनका बेटा आज सड़क से सदन में वकालत कर रहा है, चाहे वो प्रोटोकॉल तोड़कर हो, चाहे वो राज्यपाल के अभिभाषण पर हो, चाहे वो बजट भाषण में हो, मैं इनके मुद्दे को उठाता रहा हूँ। और आज दोनों सदनों के अलावा नहीं, आज के दिन में केंद्र के जो सदन है वहाँ भी इनके वकील मौजूद हैं, आज चारों सदनों में इनके वकील पहुँचा दिया हूँ। इनके मुद्दे से इतने फायदा हुए, 70 साल से किसी पार्टी ने, किसी और राजनीतिक दलों ने कभी सोचा नहीं था, लेकिन आज इस मछुआ समुदाय के विकास के लिए केंद्र सरकार ने पहली बार है कि बजट में हिस्सेदारी देकर 20,000 करोड़ रुपए इनके लिए दिया। उस 20,000 करोड़ में 9,000 करोड़ रुपया इनलैंड के लिए है जो मैदानी क्षेत्र है, उसमें इस बार में 250 करोड़ रुपया पहली बार है जो मछुआ समुदाय के लोगों को विकास के लिए, उन्हें विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए 250 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा। अनु मतलब नीचे, दान मतलब उनको वित्तीय सहायता देकर ऊपर किया जाएगा, और विभिन्न प्रकार का है। और उसके लिए अभी मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना तो था ही, इनका फ्री का बीमा भी था, 250 करोड़ रुपये भी साल दूंगा, हर जिले के लगभग 3 से 5 करोड़ रुपये उनको हम अनुदान देकर उन्हें लाएंगे आगे। मुख्यमंत्री संपदा योजना में भी, निषाद राज बोट योजना में भी एक मत खोला माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सबसे बड़ा इनके मछुआ कल्याण कोष की स्थापना की है जिसमें 25 करोड़ रुपये उन्होंने दे रखा है इनके शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के लिए। तो ये पहली बार है कि जो सत्ता में इनके संघर्ष से है और इनके स्वास्थ्य शिक्षा और उनके विकास की धारा में लाने के लिए काम हो रहा। निषाद राज किले को उन्होंने ऐतिहासिक किला घोषित किया, पर्यटक स्थल घोषित किया है, निषाद राज भगवान राम के मिले हुए मूर्ति की स्थापना वहाँ हो रही है, कई 1,000 करोड़ रुपया देकर उस पार्क का हो रहा। इनके जो आरक्षण के मुद्दे हैं, बार बार विपक्षी जो है इनको गुमराह करते रहते हैं, क्योंकि उनका बेटा जो हमने इनके लिए संघर्ष करके यहाँ इस मुकाम पर पहुँचा हूँ, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको लगता है कि कुछ है आपस में जिस तरीके से कभी उनके अंदर एक सोच, गलत सोच विकसित हो जाती है तो गुमराह करते रहते हैं। तो आरक्षण के मुद्दे पर भी आज इसमें देना था कि जिस मुद्दे को लेकर ये पार्टी खड़ी हुई है और जिसके लिए मैंने संघर्ष किया हूँ वो कहाँ तक पहुँचाया हूँ, आज के प्रेस के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 20 दिसंबर 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मैं मांग कर रहा था सड़क पर, उस वक्त खुद पत्र में लिखकर RGI से कहा कि इस पर स्पष्टीकरण दें, और इनको डॉक्टर संजय जो कहते हैं RGI ने उसको एक्सेप्ट किया कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति के हकदार हैं, उन्होंने इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया सामाजिक न्याय मंत्रालय से। क्योंकि सड़क पर किसी तरीके से जो वकील होता है, कभी यूनिवर्सिटी में किसी दूसरे तरीके से आता है अपने संघर्ष को, लेकिन जब वो एक संवैधानिक पद पर पहुंच जाता है तो न्यायपालिका और इस देश के उस व्यवस्था के अनुसार उसे वकालत करनी पड़ती है, तो उसी तरीके से जो
हम लोग संघर्ष कर रहे थे, पहले सड़क पर थे, तो अब वो संघर्ष, वो लड़ाई और वो जो मुद्दा है वो सदन के माध्यम से 50 सालों से 70 सालों से जो विपक्षियों ने इसे उलझा रखा था उसे सुलझाने में बहुत कामयाबी मिली है। अब जब हम एक मोदी जी, माननीय योगी आदित्यनाथ से, माननीय अमित शाह जी से, अपने नड्डा साहब से या किसी भी मंत्री से, किसी राज्यपाल से मिलना हो तो सब जगह हम जाते हैं, लेकिन जो उलझे मुद्दे होते हैं सुलझाने के लिए थोड़ा टाइम है, बहुत जल्दी उस पर भी निर्णय आएगा। मैं बधाई दूंगा गोरखपुर वासियों को भी, अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, धैर्य रखें और धैर्य रखें, उससे बहुत कुछ मिलेगा, इतना मिलेगा कि कभी सपने में हम लोग नहीं सोचे थे कि हम लोग भी, हमारे लिए भी ये सरकार सोचेगी, चिंता करेगी। आज अभी मैं इनके विकास के लिए मैं गया था अभी आंध्र प्रदेश से, मत्स्य का हब है वहाँ भी है, और मैं इनके लिए मत्स्य पालन के क्षेत्र में इसीलिए लाना चाहता हूँ व्यवसाय में, कि कोई भी धन जो है 3 स्रोतों से आता है, आदमी मजबूत तब होता है जब उसके पास या तो व्यापार हो, या तो उसके पास पैसा हो, या तो उसके पास जो है पैसे के साथ साथ उसके पास जो है कोई नौकरी हो। हमारे पास तीनों नहीं है, तो हमारा तीनों छिन गया है, तो वापस होने के बाद इनको शिक्षा मिलेगा। मैं इनके लिए कोचिंग के लिए, इनके लिए बच्चों को, इनके बच्चों को भी निःशुल्क कोचिंग कराएंगे, निःशुल्क इनके लिए शिक्षा दिलवाएंगे, इनको भी बच्चों को पढ़ा लिखा कर इनको भी IAS PCS बनाने का मेरा मुद्दा है। इनके साथ और भी जातियाँ जो गाँव में उपेक्षित है, क्योंकि इसका नाम है निर्बल इंडियन शोषित हमारा अंतर, तो गाँव में रहने वाली और भी जातियाँ हैं, चाहे किसी धर्म समुदाय के लोग हैं, उनको भी उसके साथ जोड़कर हम लोग इस निषाद राज के उस सोच को, भगवान राम जिस तरीके से निषाद राज को गले लगाए थे, रावण राज खत्म होकर राम राज आया था, कभी भगवान राम ने निषाद राज को अपने अतिथि, अपने उस अतिथि के रूप में बुलाया था, जब जो कानून पास हुआ था उससे राम राज आया था, हम भी अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर यहाँ से लेकर दिल्ली तक इनकी वकालत करके इनके लिए जो भी हम लोग हो सकता उसके लिए हमने शुरुआत किया है। अभी हमें मंत्री बने 3 महीने हुआ, मंत्री मैं नहीं हूँ लेकिन मेरा समाज है, मैं एक उनका प्रतिरूप हूँ, मैं समझाने का प्रयास भी करता हूँ, वही मैं एक सिंबल हूँ अपने समाज का नेतृत्व करने के लिए, तो अगर हमें नेतृत्व करने का अवसर दिया है तो हमें भरोसा मैं उनको दिलाता हूँ और उनके भरोसे पर भी हूँ, उनके ऊपर भी मेरा भरोसा है कि कार्यकर्ता जो गांव में जाकर जिस तरीके से, इस बार आपने देखा होगा कि एकजुटता का परिचय दिया, मैंने कहा था पोलिटिकल पावर द स्ट्रांग देन द गार्ड पावर, एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पोलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी, जो सभी समस्याओं का समाधान जब राजनीतिक दल से ही संभव है, तो हम लोगों के पास कोई राजनीतिक दल नहीं था, इसके वजह से हम लोगों के पास कोई बल नहीं था और हमारा समस्याओं का हल नहीं हो रहा था, अब धीरे धीरे हम लोगों की समस्याओं का हल शुरू होगा। अभी तो शुरुआत हुई है, शुरुआत में हम लोग अच्छे खासे, मतलब जहाँ तक हो सकता था वहाँ हमने किया है। अभी इनके 11 विधायक, पहले क्या क्या होता था, जो हमारे विपक्षी लोग हैं गुमराह करते हैं हमारे समाज को, तो उनको आपके प्रेस के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पहले और अब में बहुत अंतर है, कि कभी माननीय विशंबर जी सदन में आवाज़ उठाते थे तो समाजवादी पार्टी के सारे सांसद, राज्यसभा के मेंबर भाग जाते थे बाहर, आज के दिन में उनका बेटा डॉक्टर संजय अगर सदन में आवाज़ उठाता है तो मेरे 11 विधायक के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हमारा साथ देते हैं और उसको आवाज़ उठाते हैं और इन समस्याओं के समाधान के लिए आज के दिन में, तो आज के दिन में इस उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोगों का जो सहयोग है, हम लोग इस उम्मीद के साथ काम कर रहे हैं 2022 में जनता का फिर से प्यार और स्नेह 2024 में जिस तरीके से 22 में दिया था उसी तरीके से देंगे, और पुनः मोदी जी को हम प्रधानमंत्री बनाने के रूप में देखे जाएंगे। कल हमारी तारीख है, कल उस पर हमारी जमानत पहले भी हो चुकी है, उसमें किसी त्रुटि बस, क्योंकि केस तो अकेले देखते हैं, जब जरूरत होती है कभी कभी तो न्यायालय में हाजिर होना पड़ता, तो हमें नोटिस मिली नहीं थी, लेकिन किसी कारण बस उसमें जो हो चुका है तो कल मैं उसको रिकॉल कराऊंगा, अपना न्यायालय का सम्मान करते हुए उनके सामने पेश होगा। नीतीश जी बड़े 4 बार कई बार के मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, मैं तो अभी बहुत छोटा नेता हूँ, अभी मैं 4 महीने से मंत्री हूँ, लेकिन वो जिस समुदाय का नेतृत्व करते रहे हैं और जिस समुदाय की देन है वहाँ तक पहुँचे हैं, उस समुदाय को आज भारत, उत्तर प्रदेश नहीं, भारत सरकार ने भी माननीय मोदी जी ने बहुत कुछ दिया है पिछड़ों के लिए। आज इतने साल से राजनीति करते रहे लोग, लेकिन पिछड़ों के लिए संवैधानिक अधिकार अगर देने का काम किया तो मोदी जी ने किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड उन्होंने किया है, शिक्षा में आरक्षण नहीं था, शिक्षा में आरक्षण मोदी ने किया, तो मैं तो यही चाहूँगा पन्ना किस कारण, किस वजह से वो गए हैं, मेरे को उनको विचार करना चाहिए, हम उनका जवाब वही दे सकते हैं। अब देखिए, अब होता ही है, अब भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ चल रही है, और सभी का इसीलिए आपने देखा होगा कि केंद्र में भी दोबारा हुई, उत्तर प्रदेश में भी दोबारा आई, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे पूरे प्रदेश में, चूंकि उनकी नीतियाँ हैं।
आजादी के अमृत महोत्सव में आयोजित हो रहे विविध कार्यक्रमों की श्रृंखला में योगी सरकार का ध्यान पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी है। इसके तहत लगाई जा रही हरिशंकरी, पीपल, बरगद और पाकड़ वाटिकाएं पर्यावरण संतुलन के लिए अमृत साबित होगी। सोमवार से शुरू हुए हरिशंकरी सप्ताह के तहत गोरखपुर समेत प्रदेश के सभी जनपदों में 75 हरिशंकरी वाटिकाएं लक्ष्य तय किया गया है। उत्तर प्रदेश क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान के तहत हुए सर्वे में पर्यावरण की दृष्टि प्रदेश के 27 जिले अति संवेदनशील की श्रेणी में पाए गए हैं। संवेदनशील जिलों में पर्यावरण संतुलन कायम रखने के लिए वर्षाकाल पौधारोपण के अलावा सभी ग्राम पंचायतों में हरिशंकरी पौधारोपण का निर्देश दिया गया है। उल्लेखनीय है कि पीपल, बरगद व पाकड़ के सम्मिलित रोपण को हरिशंकरी कहते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि पीपल में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। बरगद की शाखाओं में भगवान विष्णु का निवास होता है। बरगद सदा हरित विशालकाय छाया वृक्ष है। पाकड़ का वृक्ष भी देवताओं की ओर से संरक्षित माना जाता है। हरिशंकरी समूह में शामिल वृक्षों को सर्वाधिक ऑक्सीजन उत्पादक व छायादार माना जाता है। यही वजह है कि विश्व पर्यावरण दिवस पर भी बड़े पैमाने पर हरिशंकरी का रोपण किया गया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अक्सर हरिशंकरी का ही रोपण करते हैं। गोरखपुर के प्रभागीय वन अधिकारी DFO विकास यादव का कहना है कि शासन की तरफ से तय समय सीमा 15 अगस्त तक जिले में 75 स्थानों पर हरिशंकरी वाटिका लगाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। सोमवार से शुरू इस कार्य में नागरिक भी पूरे उत्साह से जुड़ रहे हैं। पौधों के संरक्षण के लिए विभाग खुद ध्यान देने के साथ ही नागरिकों को भी जागरूक करेगा। ये तीनों एक साथ होता है। हाँ, तीनों एक में लगाया ही गया तो इसको हरिशंकरी बोला जाता है। हाँ अच्छा, हाँ हाँ सही कहे, क्या बात सब। रक्षाबंधन पर्व के शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महिलाओं को 11-12 अगस्त को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा करने के निर्देश दिया है। जिसके संबंध में सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महेश चंद्र ने बताया कि रक्षाबंधन के पर्व पर 10 अगस्त को रात्रि 12 बजे से 12 अगस्त रात्रि 12 बजे तक कुल 48 घंटे के लिए परिवहन निगम के साधारण एवं AC सभी बसों पर महिलाओं एवं बहनों के लिए सरकार द्वारा निःशुल्क सुविधा प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि परिवहन निगम द्वारा चालक एवं परिचालकों के लिए एक प्रोत्साहन योजना लागू की गई है, जो 10 अगस्त से 15 अगस्त तक 300 किलोमीटर रोज चलकर 1800 किलोमीटर चलते हैं तो उन्हें 1200 रुपया मुफ्त प्रोत्साहन दिया जाएगा। उन्होंने महिलाओं एवं बहनों से अपील करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा परिवहन निगम की बसों में यात्रा करें, किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। हर बस स्टेशनों पर यात्री गाइड तैयार किए गए हैं। अगर किसी प्रकार की कोई असुविधा होती है तो तत्काल परिवहन विभाग के कंट्रोल रूम में सूचित करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महेश चंद्र ने कहा,
प्रशासन द्वारा रक्षाबंधन के पर्व रक्षाबंधन के पर्व पर 10 अगस्त के रात 12 बजे से 12 अगस्त के रात 12 बजे तक कुल 48 घंटे के लिए निगम की सभी बसों पर, चाहे वो अनुबंधित हो, साधारण हो, एसी हो, सब पे महिलाएं और बहनों के लिए सरकार द्वारा निःशुल्क सुविधा प्रदान की गई। इसके अलावा परिवहन निगम द्वारा चालकों परिचालकों के लिए एक प्रोत्साहन योजना भी लागू की गई है। यदि 10 अगस्त से 15 अगस्त तक कुल 6 दिन 300 किलोमीटर रोज चल के 1800 किलोमीटर करते हैं तो उन्हें 1200 रुपया एक मुफ्त प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह इसलिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ भी सहयोग करे तथा माताएं बहनें रक्षाबंधन में सरकार द्वारा जो छूट दी गई है उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। क्या कहेंगे सर महिलाओं और अपनी बहनों से जोड़ेगा? क्या जी बहनों से क्या कहेंगे महिलाओं से, क्या अपील करना? ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा परिवहन निगम के बसों में यात्रा करें, किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। हर बस स्टेशन पर, बड़े बड़े स्थानों पर यात्री गाइड भी तैनात किए गए हैं। किसी को कोई असुविधा हो तो तत्काल जो है कंट्रोल रूम में सूचित करें। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ISL इंस्टीट्यूट फॉर सिंप्लीफाइड लर्निंग दिल्ली के वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स द्वारा संचालित ISL इंस्टीट्यूट फॉर सिंप्लीफाइड लर्निंग, खजांची चौक नियर स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर। स्पेशल कंसेशन इन फी फॉर EWS एंड BPL कैटेगरी स्टूडेंट्स। अधिक जानकारी के लिए हमारे इन दो मोबाइल नंबरों पर संपर्क कीजिए 8833-59646। दूसरा मोबाइल नंबर है 7905-844-992।
गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। दसवीं मुहर्रम का रवायती शाही जुलूस मियां साहब के पुत्र सैयद अयान अली शाह मियां साहब जूनियर की अगुवाई में सकुशल हुआ संपन्न। इमामबाड़ा स्टेट के गद्दी नशी अदनान फरूक अली शाह उर्फ मियां साहब ने मुतवल्ली बुद्धिजीवी ताजियदार आम लोग सहित जिला पुलिस प्रशासन का तहे दिल से किया शुक्रिया अदा। कैबिनेट मंत्री एवं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद मीडिया से हुए रूबरू, कहा समुन्द्र में भले ही पानी अपार है परंतु सच तो यही है कि वह नदियों का उधार है। 10 अगस्त को माननीय अदालत में होंगे पेश। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत लगाई जा रही है हरिशंकरी वाटिकाएं। प्रदेश के हर जिले में 15 अगस्त तक 75-75 हरिशंकरी वाटिका लगाने का है लक्ष्य। पर्यावरण के लिए अमृत साबित होगी हरिशंकरी। पर्यावरण संतुलन के साथ धार्मिक मान्यताओं वाले भी हैं हरिशंकरी, यानी पीपल बरगद व पाकड़ के वृक्ष। रक्षाबंधन पर्व पर सीएम योगी ने महिलाओं को 11 और 12 अगस्त को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा करने के दिए निर्देश। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महेश चंद्र ने बताया 10 अगस्त को रात्रि 12 बजे से 12 अगस्त की रात्रि 12 बजे तक कुल 48 घंटे के लिए साधारण एवं एसी सभी बसों पर महिलाओं एवं बहनों की यात्रा रहेगी निःशुल्क। भाजपा महानगर के 5 मंडलों में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए निकाली गई तिरंगा यात्रा। महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा हर घरों पर तिरंगा लगाने की जागरूकता फैलाने के लिए निकाली गई है यह तिरंगा यात्रा। दसवीं मुहर्रम के दिन से ताजियों को दफन करना शुरू किए ताजियदार। अपने अपने चौक से जुलूस की शक्ल में राप्ती नदी में दफन किए अपने अपने ताजिये। श्री रानी सती दादी परिवार मंगल महिला द्वारा अष्टादश 2 दिवसीय श्री रानी सती दादी मंगल पाठ का किया गया आयोजन। कहा 13 अगस्त को 113 महिलाओं द्वारा निकाली जाएगी भव्य कलश यात्रा। 14 अगस्त को श्रृंगार महोत्सव की निकलेगी भव्य झांकी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी महानगर कार्यकर्ताओं के द्वारा महानगर के 5 मंडलों में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसके संबंध में महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने बताया कि आजादी के 75वें अमृत महोत्सव में देश अपने उन संतानों को याद कर रहा है जिन्होंने भारत को गुलामी से बाहर निकालने के लिए प्रयास किया। उन्होंने कहा कि इस तिरंगा यात्रा से लोगों में संदेश जाए हमें अपनी आजादी को किस तरह से सेलिब्रेट करना है और हर घरों पर तिरंगा लगाना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा समाज में एक जागरूकता फैलाने के लिए यह तिरंगा यात्रा निकाली गई है। इस अवसर पर महानगर महामंत्री ओम प्रकाश शर्मा, महानगर उपाध्यक्ष जितेंद्र चौधरी, रणविजय शाही, अजय मणि त्रिपाठी, रमेश चंद्र गुप्ता, अजय श्रीवास्तव, गौरव तिवारी, मनोज अग्रहरी, दिनेश जायसवाल, अवधेश अग्रहरी, सत्यार्थ मिश्रा, सिद्धांतो घोष सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा Bye.
देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आज देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हम सभी उसी अमृत महोत्सव के तहत आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के दीनदयाल नगर मंडल के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज तिरंगा यात्रा निकाला गया ताकि एक समाज में एक संदेश जाए, हमें अपनी आज़ादी को किस तरीके से सेलिब्रेट करना है। हर घर पे तिरंगा लगाना है। 13, 14 और 15 तारीख में गोरखपुर महानगर के सभी घरों पे तिरंगा फहराएगा, क्योंकि अमृत महोत्सव के साथ साथ हम सभी आगे शताब्दी महोत्सव मनाएंगे, जो ये 25 वर्षों का कालखंड है इसको अमृत काल के रूप में जाना जाएगा। देश पुनः इस 25 वर्षों में विश्व गुरु बनकर स्थापित होगा, ये हम सभी की कल्पना है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आज भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता मिलकर आज समाज में एक संदेश देने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए आज हम सभी तिरंगा यात्रा यहाँ दीनदयाल नगर मंडल के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में निकाला गया। ताजिया दफन करने आए रजी अहमद ने बताया कि 10वीं मुहर्रम इमाम सैयद अली मकाम के शहादत के रूप में मनाया जाता है। जो भी ताजियादार है 10वीं को अपने अपने चौक से ताजिया को राप्ती नदी में दफन किया जाता है तथा कहीं कहीं पर जैसे जाफरा बाजार करबला में ताजिया दफन की जाती है। उन्होंने कहा कि इस्लाम को कायम करने के लिए इमाम अली मकाम ने अपनी शहादत दी थी, उसी तरह शहादत के रूप में दुनिया भर के मुसलमान पहली मुहर्रम से लेकर 10वीं मुहर्रम तक उनकी याद में गमे हुसैन मनाते हैं, और जो मुसलमान जिस हैसियत में है वह अपनी हैसियत के हिसाब से सिरनी, शरबत, खिचड़ी, बिरयानी इत्यादि चीज़ प्रसाद के रूप में वितरित करते हैं। इमाम सैयद अली मकाम अपने दुश्मनों से हाथ नहीं मिलाया, उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया। यही मुहर्रम का असली पर्व और असली त्यौहार है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए ताजिया दफन करने आए ताजियादार रजी अहमद ने कहा, अरे डर के हम नहीं जाएंगे।
हमारा नाम रजी अहमद है, मोहल्ला बसंतपुर सराय के पीछे रहता हूँ। सदर तहसील में प्राइवेट हम काम भी करते हैं। तो जैसे कि ये 10वीं मुहर्रम इमाम हुसैन अली मकाम की शहादत के रूप में मनाया जाता है, और जो भी ताजियेदार हों आज दसवीं को अपने अपने चौक से इमाम चौक से ताजिया को लेकर निकलते हैं। कोई करबला में बहुत सी जगह ऐसे जैसे जाफरा बाजार में मियाँ साहब का है, वहाँ पर ताजिया दफन की जाती है। हम लोग यहाँ से बसंतपुर के कुछ एरिया जैसे आगर अकबी साहब हैं, मेहंदी साहब के वहाँ से जो शिया समुदाय से ताजिया आती है, वो यहाँ राप्ती नदी के इस पानी में, इस दरिया में उसको हम लोग सरवाते हैं। बाकी चीज़ें इस्लाम को कायम करने के लिए इमाम अली मकाम ने अपनी शहादत दी थी, उसी शहादत के रूप में दुनिया भर के, हिंदुस्तान में नहीं हिंदुस्तान के बाहर भी सारे मुसलमान पहली मुहर्रम से लेकर 10वीं मुहर्रम तक गमे हुसैन मनाते हैं। उनकी याद में जो आदमी जिस हैसियत से है, शिरनी है, शरबत है, खिचड़ा है, बिरयानी है, जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं अपने उसी हिसाब से दस्तूर के हिसाब से वो प्रसाद के रूप में वितरित करते रहते जो अकीदतमंद। अब आप ये भीड़ नज़ारा देख रहे हैं यहाँ पे, अभी कम से कम काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पे, पानी है, खिचड़ा है, बिस्किट है, कोल्ड ड्रिंक है, जैसे जिसकी औकात है लोग आकर के यहाँ पे प्रसाद का वितरण करते हैं। यही है अली मकाम की, उन्होंने दुश्मनों से अपने बैस से मतलब उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, उन्होंने अपने आप को शहादत दे दी, अपनी शहादत दे दी, अपने आप को कुर्बान कर दिया, लेकिन दुश्मन से उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, सच का साथ दिया उन्होंने। यही मुहर्रम का असली पर्व, असली त्यौहार है। श्री रानी सती महिला मंगल समिति के सदस्य किरण पोदार ने शास्त्री चौक स्थित प्रेस क्लब पर प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि श्री रानी सती दादी परिवार मंगल महिला द्वारा होने वाले अष्टादश दो दिवसीय श्री रानी सती दादी मंगल पाठ का आयोजन सिविल लाइन स्थित एक निजी होटल में 13 अगस्त एवं 14 अगस्त को आयोजित किया जाएगा, जिसमें 13 अगस्त को 113 महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो गोरखनाथ मंदिर 10 नंबर बोरिंग होते हुए लक्ष्मीपुर दादी जी के मंदिर पर जाकर समाप्त होगी। उन्होंने कहा कि यात्रा में सभी महिलाएं लाल साड़ी एवं लाल चुनरी में सुसज्जित होकर भक्ति भाव से चलेंगी तथा 14 अगस्त को भव्य झांकी, सुंदर दरबार, फूलों का श्रृंगार महोत्सव का मुख्य आकर्षक होगा। मंगल पाठ गायन सूरत की ख्याति प्राप्त गायिका सुरभि बिरजू द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर प्रीति खेतान, उमा पुद्यार, साधना लीलारिया, सुनीता टिबड़ेवाल मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए श्री रानी सती महिला मंगल समिति के सदस्य किरण पोदार ने कहा, जय दादी की। हम लोग दादी जी के उत्सव के लिए प्रेस वार्ता कर रहे हैं, और इस समय हम लोग जितनी भी महिलाएं बैठे हैं, सब दादी मंडल महिला की समितियां महिलाएं हैं, और दादी जी का वार्षिक उत्सव भी मना रहे हैं, जो कि 13 तारीख को कलश यात्रा है और 14 तारीख को दादी जी का वार्षिक उत्सव है। हम लोग इसमें 101 महिलाएँ हैं, लेकिन कलश 113 उठ रहे हैं, और भी पब्लिक लेती है, इसलिए बाहर से एक तो हमारी गायिका आ रही हैं सुरभि बिजुर्गा जी सूरत से, बाकी और भी भक्त आते हैं बाहर से दादी जी का उत्सव मनाने के लिए। कलश यात्रा गोरखनाथ मंदिर से उठती है और दादी जी के मंदिर लक्ष्मीपुर तक जाती है। दादी जी हमारी कुलदेवी हैं, जो कि राजस्थान में रहती हैं, और राजस्थान में उनका मंदिर है झुंझुनू धाम में, और हम लोग सबकी कुलदेवी हैं वो, और हम लोग उनकी पूजा करते हैं। महाभारत काल में जब चक्रव्यूह की रचना हुई थी और अभिमन्यु को उसमें लोगों ने मतलब फंसा करके और उनकी हत्या कर दी थी, तब उनकी पत्नी जो उत्तरा थी वो गर्भवती थी, तो वो सती होने की सोचने लगी, तो भगवान कृष्ण ने उनको रोक दिया, कहा अभी बेटा तुम अभी सती मत हो, क्योंकि तुम जो है कलयुग में दादी जी के नाम से तुम ही पूजी जाओगी। तो वही उत्तरा ने जन्म लिया दादी जी के रूप में, आज हम लोग उन्हीं को पूजते हैं, उन्हीं का जन्म हुआ दादी जी के नाम से। यही इतिहास है उनका, यहीं से इतिहास शुरू है, महाभारत काल से उनका इतिहास।
रथ यात्रा शाम को 4 बजे। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। दसवीं मुहर्रम का रवायती शाही जुलूस मियां साहब के पुत्र सैयद आयान अली शाह मियां साहब जूनियर की अगुवाई में सकुशल हुआ संपन्न। इमामबाड़ा स्टेट के गद्दी नशी अदनान फरुख अली शाह उर्फ मियां साहब ने मुतवल्ली बुद्धिजीवी ताजियेदार आम लोग सहित जिला पुलिस प्रशासन का तहे दिल से किया शुक्रिया अदा। कैबिनेट मंत्री एवं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद मीडिया से हुए रूबरू। कहा, समुन्दर में भले ही पानी अपार है परंतु सच तो यही है कि वह नदियों का उधार है। 10 अगस्त को माननीय अदालत में होंगे पेश। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत लगाई जा रही है हरिशंकरी वाटिकाएं। प्रदेश के हर जिले में 15 अगस्त तक 75 हरिशंकरी वाटिका लगाने का है लक्ष्य। पर्यावरण के लिए अमृत साबित होगी हरिशंकरी। पर्यावरण संतुलन के साथ धार्मिक मान्यताओं वाले भी हैं हरिशंकरी, यानी पीपल बरगद व पाकड़ के वृक्ष। रक्षाबंधन पर्व पर सीएम योगी ने महिलाओं को 11 और 12 अगस्त को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा करने के दिए निर्देश। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महेश चंद्र ने बताया, 10 अगस्त को रात्रि 12 बजे से 12 अगस्त की रात्रि 12 बजे तक कुल 48 घंटे के लिए साधारण एवं एसी सभी बसों पर महिलाओं एवं बहनों की यात्रा रहेगी निःशुल्क। भाजपा महानगर के 5 मंडलों में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए निकाली गई तिरंगा यात्रा। महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा, हर घरों पर तिरंगा लगाने की जागरूकता फैलाने के लिए निकाली गई है यह तिरंगा यात्रा। दसवीं मुहर्रम के दिन से ताजियों को दफन करना शुरू किए ताजियेदार। अपने अपने चौक से जुलूस की शक्ल में राप्ती नदी में दफन किए अपने अपने ताजिये। श्री रानी सती दादी परिवार मंगल महिला द्वारा अष्टादश 2 दिवसीय श्री रानी सती दादी मंगल पाठ का किया गया आयोजन। कहा, 13 अगस्त को 113 महिलाओं द्वारा निकाली जाएगी भव्य कलश यात्रा। 14 अगस्त को श्रृंगार महोत्सव की निकलेगी भव्य झांकी। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।